नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ, जिसमें कि देश के कई जाने माने नेताओं ने शिरकत किया, कई मुख्यमंत्रियों ने शिरकत किया। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से आप ये तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहाँ पर तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। दरअसल ये केमिस्ट्री दो युवा नेताओं के बीच में साफ तौर पर झलक रही है। आपको बता दें कि शुरू से ही, जब झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा था, चुनावी प्रचार के दौरान ही दोनों नेताओं में केमिस्ट्री देखी थी। और लगातार जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने धमाकेदार जीत दर्ज की, उसके बाद से ही तेजस्वी यादव नतीजों के बाद से ही लगातार रांची में जमे रहे। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन भी जीत के बाद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए थे। तो एक आरजेडी और जो हेमंत सोरेन के बीच का जो कनेक्शन है, चाहे वो लालू यादव के साथ हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ हो, इस जीत के बाद साफ तौर पर दिख रहा है कि भले ही दो अलग अलग दल हो आरजेडी और जेएमएम, लेकिन सहयोगी के तौर पर दोनों दलों में एक अच्छा सामंजस्य दिख रहा है। और यही तस्वीरें आज तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच में देखी। पूरे शपथ ग्रहण समारोह में कई जाने माने नेताओं ने शिरकत किया, सबने बधाई दी, गले लगा और सेल्फी भी खिंचवाई। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है, क्योंकि बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव बतौर महागठबंधन के तौर पर ये लगभग तय है कि वही सीएम के कैंडिडेट होंगे। साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव महागठबंधन में बतौर सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, ये लगभग तय है। तो क्या अब सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन भी बिहार आएंगे, महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे? दो नेताओं के बीच में ये सामंजस्य की तस्वीरें उनके समर्थकों और उनके चाहने वालों को बेहद पसंद आएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। Thank you.